फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर नगेंद्र थालोर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्किन पे और बॉडी पे ऐसे कौन कौन से मार्क्स रहते हैं या निशान रहते हैं जिनको देख के ये आइडिया लग सकता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ताकि सब क्लिनिकल स्टेज में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पता लगाया जा सके और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि आगे चल के हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन ना हो। फर्स्ट साइन इज जेंथेलिज्मा एंड जेंथोमा। जेंथेलिज्मा एंड जेंथोमा येलो कलर की फैट बॉल्स रहती हैं जो अपनी आईज में नोज की तरफ इनर साइड पे और मेनली अपर आईलिड पे प्रेजेंट रहती हैं। जेंथोमा रहता है ये जो येलो कलर फैट बॉल्स रहती हैं और ये बोनी एरिया पे प्रेजेंट रहती हैं, जैसे फिंगर्स पे है या एल्बो पे है, नी पे है, हील्स पे प्रेजेंट रहती हैं। यदि बॉडी में ये बॉल्स प्रेजेंट हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस है और अपनी जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है। तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको डाइट में मॉडिफिकेशन करना है, सेचुरेटेड फैट और शुगर कम लेना है। यदि लिपिड लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप स्टेटिन और फिब्रेट्स मेडिसिन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दूसरे कारण को भी रूल आउट करना है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, एल्कोहल है, स्मोकिंग है, यदि इनमें से कोई चीज़ है तो उसको ट्रीट करना है। यदि फिर भी ये बॉल्स रहती हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से एडवाइस ले सकते हैं, वो इनको लेजर से या सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड साइन है आर्कस जुवेनिलिस और कॉर्नियल आर्कस, यानी जो आई में कॉर्निया रहता है उसके चारों तरफ एक सर्किल बन जाता है येलो या वाइट कलर का, जिसको आर्कस जुवेनिलिस बोलते हैं। ओल्ड एज में ये कॉमनली हो सकता है, लेकिन यदि 40 साल से पहले ही है तो ये जो आर्कस जुवेनिलिस है ये लिपिड डिसऑर्डर है तो प्रेजेंट रहेगा। इसके साथ साथ यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल लेते हैं या आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो इन सब कंडीशन में भी ये मिल सकता है। इसको ट्रीट करने के लिए आपको एग्रेसिव लिपिड मैनेजमेंट करना रहता है। नेक्स्ट है एकेंथोसिस निग्रीकेंस। एकेंथोसिस निग्रीकेंस स्किन का एक डिसऑर्डर है जिसमें स्किन का जो कलर है वो बहुत डार्क हो जाता है, यानी वो हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है और स्किन की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, स्किन मोटी हो जाती है। ये एकेंथोसिस निग्रीकेंस मेनली आपके जैसे बैक ऑफ नेक में या एक्जिला में, ग्रोइन में, इस तरह के एरिया में ये प्रेजेंट रहता है। यदि आपके बॉडी पे एकेंथोसिस निग्रीकेंस है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इंसुलिन रेजिस्टेंस से होने वाले सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज मेलाइटस है, कसिंग सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। एकेंथोसिस निग्रीकेंस मेनली यंगर एज में रहता है, 30 से 40 साल की एज में ज़्यादा रहता है ये, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कम होता जाता है। नेक्स्ट साइन है स्किन टैक्स, यानी आपकी बॉडी पे स्किन पे जगह जगह एलिवेटेड स्किन है, उसके टैक्स बने हुए हैं, तो वो भी इंडिकेट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। यदि स्किन टैक्स और एकेंथोसिस निग्रीकेंस दोनों एक साथ हैं तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं बजाय सिंगल स्किन टैक्स के। नेक्स्ट साइन है प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड एलोपेशिया, यानी आपके जो बाल हैं वो आपकी एज से पहले ही, यानी उनका कलर चेंज हो जाता है, ग्रे कलर के हो जाते हैं, आपके फ्रंट के बाल हैं सारे वो उड़ जाते हैं, यानी आपकी बाल्डनेस हो जाती है। जो लोग हेवी स्मोकर रहते हैं उनमें ये प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर रहती है और जो बाल्डनेस रहता है, और स्मोकिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट रहता है ईयर लोब क्रीज, यानी नॉर्मली जो अपना ईयर लोब है ये स्मूथ रहता है, लेकिन यदि इस ईयर लोब में एक लाइन जैसी लगा हो या कोई क्रीज बना हुआ है तो वो इंडिकेट करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को। नेक्स्ट इज निकोटीन स्टेनिंग। निकोटीन एक टोबैको में या सिगरेट में, इनमें पाया जाता है। जो लोग क्रोनिक स्मोकिंग करते हैं उनके हाथों पे निकोटीन के स्टेन बन जाते हैं, उनके लिप्स हैं वो डार्क हो जाते हैं, उनके गम हैं यानी मसूड़े हैं वो भी डार्क कलर के हो जाते हैं, और पूरे दांतों पे येलो येलो सब डिपॉजिट हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की रिस्क को बढ़ा देता है। नेक्स्ट साइन है बैटल क्यूब सैलेड सिंड्रोम, यानी जो लोग पान की दुकान पे बैठते हैं, जो लोग पान बेचते हैं उन लोगों को आप देखोगे तो उनके हाथों में पूरा स्टेनिंग रहेगा, हाथों की जो स्किन है पूरी वो डैमेज हुई हुई रहेगी, उनके लिप्स पूरे ब्रिक रेड कलर के रहेंगे, एब्डोमन उनका बाहर निकला हुआ रहेगा, मोटा रहेगा,
तो इस तरह का जो कंडीशन रहती है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बढ़ाती है। नेक्स्ट साइन है सेंट्रल ओबेसिटी, यदि आपके एब्डोमन पे एक्सेसिव फैट डिपॉजिट है तो वो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की रिस्क को बढ़ाती है। ओबेसिटी कई डिजीज की रिस्क को बढ़ा देती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, डीप एपनिया है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है। यदि वेस्ट सर्कम्फ्रेंस मेल में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और फीमेल में 80 और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करती है आपकी ओबेसिटी को, और यदि ओबेसिटी ज़्यादा है तो ये बहुत सारी कंडीशंस को बढ़ा देती है। नेक्स्ट जो मार्कर है वो है साइन ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है वो एग्जिस्टेंस करती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ में, यानी जिन लोगों को पैरों की नस में दिक्कत है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के 5 इंपॉर्टेंट साइन रहते हैं जिनको 5P बोलते हैं, जैसे पल्सलेसनेस, पैरालिसिस, पेरेस्थीसिया, पेन, पैलर। ये सारी कंडीशन यदि हैं तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज को इंडिकेट करती हैं, और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ में एसोसिएटेड रहती है। इनके अलावा यदि किसी को लंबे टाइम तक गोट है या रूमेटोइड आर्थराइटिस है या स्किन की डिजीज जैसे सोरायसिस है, तो ये सारी कंडीशन है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन को बढ़ाती हैं। यदि आपके शरीर पे इनमें से कोई भी साइन प्रेजेंट रहते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको अंडरलाइंग CAD है, यानी आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज की रिस्क बढ़ती जा रही है। तो ये साइन को देख के आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको आइडिया मिलता है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का और प्रॉपर ट्रीटमेंट करने का, ताकि आपको आगे जाके हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।